ई लर्निंग के डिफरेंट टाइप्स देखेंगे कि ये टाइप्स कौन कौन सी हैं। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे जो टाइप है ये है CML या CMI, यानी कंप्यूटर मीडिएटेड लर्निंग या कंप्यूटर मैनेज्ड लर्निंग या कंप्यूटर मैनेज्ड इंस्ट्रक्शंस। नाउ इसमें क्या है कि कंप्यूटर जो है वो एक टूल की तरह भी यूज़ हो रहा है और इंस्ट्रक्टर की तरह भी यूज़ हो रहा है। किसी इंस्ट्रक्टर ने जो भी वो कुछ सिखाना चाहता है उसके अनुसार एक इंस्ट्रक्शंस का सेट बनाया और वो जो इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम है वो कंप्यूटर में लोड कर दिया। अब वो कंप्यूटर मीडिएटेड इंस्ट्रक्टर जो है, अगर ह्यूमन इंस्ट्रक्टर नहीं भी है तब भी उन इंस्ट्रक्शंस की मदद से लर्नर जो है उससे सीख सकता है। यानी ये एक ऐसा लर्निंग प्रोग्राम होते हैं जिसमें टीचर लेड इंस्ट्रक्शंस होती हैं, यानी इसको इंडिविजुअल अपनी अपनी मर्जी से उसकी नीड के अनुसार चेंज नहीं कर सकता। और लर्नर जो है विदाउट द फिजिकल और एक्चुअल प्रेजेंस ऑफ इंस्ट्रक्टर भी सीख पाता है। यानी कंप्यूटर ही इंस्ट्रक्टर है और कंप्यूटर ही टूल है। तो इस तरह के जो कंप्यूटर मीडिएटेड लर्निंग प्रोग्राम्स हैं इनको अब काफ़ी एडवांस फॉर्म में भी देखा जाता है, जिसमें टू वे कम्युनिकेशन भी पॉसिबल है, ड्रिल पॉसिबल है, और ऐसे इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम्स भी हैं जो कि लर्नर की नीड के अनुसार अपने आप को मॉड्यूलेट कर लेते हैं। सिमिलरली दूसरा जो हमारे पास आ जाता है वो है CAI, यानी कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग या कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम या कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग। अब इसमें क्या है, कंप्यूटर जो है ये एक टूल है एंड इट इज़ यूज एज ए एड, तो टीचिंग एड की तरह यूज़ करते हैं कंप्यूटर को, जिसमें कंप्यूटर की हेल्प से कोई ह्यूमन इंस्ट्रक्टर अपनी इंस्ट्रक्शंस को बेटर कर सकता है। तो यहाँ पर जो कंप्यूटर है वो एज ए टूल है और यहाँ पर कंप्यूटर खुद एक इंस्ट्रक्टर है। इसमें हम क्या देखते हैं, जैसे टीचर पढ़ाते समय कोई डिजिटल मटेरियल यूज़ कर सकता है, ऑडियो वीडियो मटेरियल यूज़ कर सकता है, ग्राफिक्स यूज़ कर सकता है, टेस्ट ले सकता है। तो ये जो सारे तरह का तरीका है जिसमें कंप्यूटर को हम टूल की तरह यूज़ करते हैं लेकिन एक ह्यूमन इंस्ट्रक्टर भी प्रेजेंट रहता है, दैट इज़ कॉल्ड एज कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शंस या कंप्यूटर एडेड लर्निंग। इसको भी टू वे भी हो सकता है और वन वे भी हो सकता है। तो इस तरह के जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसमें हम देखते हैं कि जो कंप्यूटर एडेड लर्निंग है ये ज़्यादा इंटरैक्टिव है एज कम्पेयर टू कंप्यूटर मीडिएटेड। इसमें कई तरह के सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं, कई तरह का मल्टीमीडिया आ गया है, जिससे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है। तीसरी हमारे पास जो मेजर कैटेगरी आ जाती है वो है ऑनलाइन एंड ऑफलाइन लर्निंग। आजकल इसके बारे में बहुत सुनते हैं, ज़्यादा जो काम है वो ऑनलाइन लर्निंग से चल रहा है। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन में बेसिक डिफरेंस क्या है? बेसिक डिफरेंस है दैट इन ऑनलाइन टीचिंग देयर इज टीचर एंड लर्नर एंड बोथ आर ऑनलाइन। दैट मीन्स रियल टाइम में, यानी एक ही समय पे टीचर और लर्नर दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। यानी इसमें इंटरनेट का बहुत बड़ा रोल है। इंटरनेट के द्वारा टीचर अपने कंप्यूटर पे है, लर्नर अपने कंप्यूटर पे है और रियल टाइम मतलब उसी समय पे टीचर लर्नर एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। अगर इस चीज़ में रियल टाइम इंस्ट्रक्शन ना हो, यानी टीचर के पास भी कंप्यूटर है, इंटरनेट है, लर्नर के पास भी कंप्यूटर है, इंटरनेट है, लेकिन वो एक ही समय पे एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं, देन दैट विल बी कॉल्ड एज ऑफलाइन। तो बाकी सब कंपोनेंट सेम रहता है। टीचर ने अपने समय पे लेसन प्रिपेयर किया, इंटरनेट पे चढ़ा दिया, आपने इंटरनेट से उसको डाउनलोड कर लिया, अपने समय में सुना, दोनों ही प्रोसेसेस में कम्युनिकेशन पॉसिबल है, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन है, लेकिन वो जो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन है वो रियल टाइम में नहीं है। रियल टाइम मतलब उसी समय पे। ऑफलाइन में भी क्या होता है, आप लेसन को डाउनलोड कर लेते हैं, PDF है या कोई वीडियो है, आप उसको बाद में सुनते हैं,
सुन के आपका जो भी कमेंट होता है वो आप पोस्ट कर देते हैं, उसका आपको किसी और समय पे रिप्लाई भी आ जाता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है ऑनलाइन और ऑफलाइन का। आमतौर पे आजकल इसको बच्चे कंफ्यूज कर देते हैं, ऑनलाइन का मतलब वो सोचते हैं शायद जो कंप्यूटर पे क्लास लगी है वो ऑनलाइन है और जाके पढ़े तो वो ऑफलाइन है। ऐसा नहीं है, कंप्यूटर पे भी आपके पास ऑफलाइन मटेरियल मिलता है आपको। तो ऑफलाइन में हमारे पास क्या देखते हैं कि इसमें जो टाइम लैग है उसकी वजह से इंफॉर्मेशन का जो आदान प्रदान है, फ्लो है, वो डिसरप्ट होता है, राइट। ये मेन डिफरेंस है। अब इसी के साथ अगर हम देखें कि एक टर्म यूज होती है सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस। अब ये क्या है सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस लर्निंग? क्या है सिंक्रोनस लर्निंग? इज दैट लर्निंग विच इज इन रियल टाइम। अगर एक ही समय पे इंफॉर्मेशन जो है वो जैसे जैसे टीचिंग हो रही है उसी समय पे लर्नर इज एबल टू अंडरस्टैंड, या लर्नर जो भी कुछ फीडबैक देना चाहता है वो फीडबैक उसी समय पे टीचर के पास पहुंच जाता है और करेक्टिव मेजर्स कैन बी टेकन, ताकि टीचिंग और लर्नर की जो स्पीड है वो एक दूसरे के साथ मैच्ड रहे, यानी उनका जो पेस ऑफ लर्निंग है वो सेम है। टीचर को अगर लगे कि लर्नर को समझ नहीं आ रहा तो टीचर उस मटेरियल को एक्सप्लेन कर सकता है दोबारा से, जिससे अपनी स्पीड को वो लर्नर की स्पीड के साथ मैच कर सकता है। इसलिए ये जो लर्निंग है ये बेटर फीडबैक होने की वजह से बेटर आपको सेटिस्फैक्शन देता है लर्निंग में, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है वो तुरंत उसका आंसर आपको मिल जाता है। एसिंक्रोनस का मतलब क्या है? जब ये पेस ऑफ लर्निंग डिसरप्ट हो जाता है। जैसे एक एग्जांपल हम इसमें लेते हैं, जैसे आमतौर पे क्या होता है कि आप किसी को कोई जोक सुनाते हैं उसको उसी समय समझ आ जाता है और उसकी हंसी निकल जाती है ना। तो ये क्या है, ये सिंक्रोनस है, यानी आपने जैसे इंफॉर्मेशन दी दूसरे ने उस इंफॉर्मेशन को समझ लिया तो ये सिंक्रोनस हो गया। लेकिन अगर आप किसी को जोक सुनाएं और उसको वो उस समय समझ ना आए, उसको वो जोक समझ आए दूसरे दिन जाके, तो समझ में तो आया लेकिन उसमें टाइम लैग आ गया। तो ये जो टाइप ऑफ लर्निंग है जिसमें टीचिंग की टीचिंग में और लर्नर की लर्निंग में एक टाइम लैग आ जाता है, वो फेज आउट हो जाती है या उसमें पेस सेम नहीं रहता, दैट इज कॉल्ड एज एसिंक्रोनस। अब इसमें कहीं स्पेस की बात नहीं हो रही, ये नहीं कि आप क्लासरूम में बैठ के पढ़ते हो टीचर के सामने पढ़ते हो तो वो सारी सिंक्रोनस होती है। क्लासरूम में भी कई बार एसिंक्रोनस हो जाती है, टीचर किसी लेवल पे पढ़ा रहा है लर्नर किसी लेवल पे अंडरस्टैंडिंग गेन कर रहा है। तो ये हो गया सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस का डिफरेंस। इसके बाद एक और डिफरेंस आ जाता है जिसमें आ जाता है हमारे पास लीनियर, और दूसरा इसके साथ आ जाता है इंटरैक्टिव। लीनियर लर्निंग क्या है? विच इज फ्रॉम टीचर टू लर्नर, ऐसी इंफॉर्मेशन का फ्लो जिसमें टीचर इज पासिंग द इंफॉर्मेशन टू लर्नर, और ये जो फ्लो है ये वन वे है, दैट इज लीनियर। और अगर टीचर कुछ लर्नर को इंफॉर्मेशन दे रहा है और लर्नर कुछ इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ फीडबैक टीचर को दे रहा है या कमेंट के फॉर्म में दे रहा है तो ये इंटरैक्टिव हो जाता है, यानी ये वन वे प्रोसेस है, ये टू वे प्रोसेस है। सिमिलरली एक हमारे पास और क्या आ जाता है डिफरेंट टाइप्स, फिक्स्ड एंड अडैप्टिव। फिक्स्ड क्या है? जब मैंने सोच लिया कि मैंने ये लेसन पढ़ाना है इस तरह से पढ़ाना है उसके अनुसार से मैंने इंस्ट्रक्शंस बना दी, ये नहीं देखा कि लर्नर की नीड क्या है। तो ऐसे जो लेसन हैं या ऐसा जो टीचिंग है दैट इज़ कॉल्ड एज फिक्स्ड। इन जो हमारे जो ऑनलाइन लर्निंग में या ई लर्निंग में फिक्स्ड लर्निंग के ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें इंस्ट्रक्टर के द्वारा कुछ प्रोग्राम बना दिया जाता है जिसको हर लर्नर देख पाता है
चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, लेकिन वो प्रोग्राम किसी एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ लर्नर के लिए नहीं बना, दैट इज कॉल्ड एज फिक्स्ड लर्निंग। फिक्स्ड लर्निंग में जो प्रोग्राम है उसमें भी कुछ अडेप्टेबिलिटी डाली जाती है ताकि डिफरेंट लेवल्स के लर्नर उस प्रोग्राम से बेनिफिट हो सके। आजकल जब हम अडेप्टिव लर्निंग की बात करते हैं तो दिस इज़ बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें प्रोग्राम इस चीज़ को सेंस कर सकता है दैट व्हाट इज़ द पेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लर्नर, उसके अनुसार प्रोग्राम अपने आप को अडेप्ट कर सकता है। तो अडेप्टिव लर्निंग जो है इट इज़ द फ्यूचर ऑफ ई लर्निंग। सिमिलरली एक और डिफ्रेंशिएशन आ जाता है हमारे पास, जिसमें आ जाता है इंडिविजुअल वर्सेस कोलैबोरेटिव। इंडिविजुअल लर्निंग मींस वेयर द लर्निंग इज फ्रॉम वन टू वन, वन टीचर इज इंटरेक्टिंग विद द वन लर्नर, सो दिस इज इंडिविजुअल बेस्ड। जब बहुत सारे लर्नर किसी सोशल प्लेटफॉर्म पे या किसी ग्रुप डिस्कशन में या किसी जूम मीटिंग में एक दूसरे के साथ जुड़ के इंटरेक्ट कर सकते हैं सो दैट एवरीवन लर्न्स, दैट इज़ कॉल्ड एज कोलैबोरेटिव लर्निंग। सो दीज आर ऑल डिफरेंट टर्म्स विच आर यूज्ड इन ई लर्निंग।